नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विधि लिंग लकार है, जिसका प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। धृ धातु, धृ का मतलब होता है रखना। पुरुष हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये जो धातु है हम पढ़ रहे हैं एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। प्रथम पुरुष धरेत, धरेताम, धरेयुः। मध्यम पुरुष धरेः, धरेतम, धरेत। उत्तम पुरुष धरेयम्, धरेव, धरेम। वाक्य बनाएंगे। अहम् उत्तम पुरुष एकवचन है। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या है? धरेयम्। अहम् धरेयम्, मुझे रखना चाहिए। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है? धरेव। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या है? धरेव। तो आवाम धरेव, हम दोनों को रखना चाहिए। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है धरेम। तो वयम धरेम, हम सबको रखना चाहिए। वह मध्यम पुरुष एकवचन है। मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया क्या है? धरे। तो त्वम धरे, तुम्हें रखना चाहिए। नेक्स्ट है युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी धरेतम। युवाम धरेतम, तुम दोनों को रखना चाहिए। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है धरेत। यूयम धरेत, तुम सबको रखना चाहिए। अब देखिए, स प्रथम पुरुष एकवचन, सा स्त्रीलिंग है प्रथम पुरुष एकवचन, राम है प्रथम पुरुष एकवचन। प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया देखिए धरेत। तो स धरेत, उसे रखना चाहिए। सा धरेत, उसे रखना चाहिए। रामे धरेत, राम को रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तव, पुल्लिंग है, द्विवचन है प्रथम पुरुष द्विवचन। ते स्त्रीलिंग है, द्विवचन है और प्रथम पुरुष है। राम है, गीता च, ये द्विवचन है और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी धरेताम। तव धरेताम, उन दोनों को रखना चाहिए। ते धरेताम, उन दोनों को रखना चाहिए। राम है, गीता च धरेताम, राम और गीता को रखना चाहिए। यहां तक। अब ते पुल्लिंग है प्रथम पुरुष बहुवचन, ते मीन्स वे। ता स्त्रीलिंग है और प्रथम पुरुष बहुवचन है, ता का मतलब वे सब। ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, श्यामे, गीता, राधा, च, तीन हो गए। दो से अधिक जो होते हैं वो प्रथम पुरुष बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ते धरेयु, उन्हें रखना चाहिए। ता धरेयु, उन्हें रखना चाहिए। श्यामे, गीता, राधा, च धरेयु, श्याम, गीता और राधा को रखना चाहिए। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। अब एक बार और प्रोनाउंसिएशन करेंगे। धरेत, धरेताम, धरेयु। धरे, धरेतम, धरेत। धरेयम, धरेव, धरेम। धन्यवाद।